सो हे गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप गुस्सा होंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं 3 दिन के अंदर वीडियो लाने वाला था लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गए, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए और मुझे पता आप लोग माफ कर दोगे। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी का, और ये मैं 7 मंथ से जमा कर रहा हूं गाइस, 7 मंथ का टाइम बहुत ही ज्यादा होता है, कम नहीं समझ रहा हूं उसे, तो वीडियो को 1 लाख जरूर करना और हां वीडियो पे लास्ट तक बने रहो। सो फटाफट से करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट और ये फर्स्ट ओपन करेंगे भाई, जो भी टट्टी सामान होते हैं, जो भी टट्टी क्रेट्स हैं उसको मैं पहले ओपन कर दूंगा और बाकी के क्रेट्स जो भी धांसू धांसू, इसमें से काफी सारे मैंने ये डायमंड से भी बाय करके रखे हुए और काफी सारे इवेंट से कलेक्ट करे हुए हैं। सो भाई साहब अपने को लास्टली एक और क्रेट मिल चुकी है जो कि ये वाली क्रेट है, तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे अपने को फर्स्टली टाइम लिमिट फर्स्ट दिया और आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि क्या क्या फंसने वाला अपने को परमानेंट और कितने गन की स्किन परमानेंट फंसने वाली है। सो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स खोलो और कमेंट करो कि मेरे को कितने गन की स्किन परमानेंट फंसने वाली है और कितने नहीं फंसेंगे। तो फटाफट से ओपन करते क्रेट्स और भाई सबसे लास्ट में क्रेट मैंने छोड़कर रखी हुई है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मे भी ये परमानेंट निकल जाए और ये फमास की स्किन है एंड साथ में ये M16 की स्किन भी है जो कि मुझे परमानेंट चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। फर्स्टली अपने को टाइम लिमिट मिल चुका है, अभी मैं भी परमानेंट मिल जाए एंड मुझे इसके साथ ये भी पता है कि मुझे इसमें से कम 50 क्रेट्स ऐसे खोलने पड़ेंगे जो कि M16 की सिर्फ होनी चाहिए और उसमें मैं भी हो सकता है एक क्रेट मेरे को फंस जाए और उसमें गन परमानेंट निकल जाए। फ्री फायर एक ऐसा गेम है जिसके अंदर सारे चीजें फिक्स होती है कि इतनी स्पिन में नहीं निकलेंगी और वो स्पिन हमेशा फिक्स होती है, वो 1000 डायमंड से फिक्स हो सकते हैं, वो 5000 डायमंड से फिक्स हो सकते हैं। सो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ परमानेंट नहीं फंसने वाला, बट इसमें कुछ फंस जाए क्यूपिड स्कार में भी मैं, ओह माय गॉड मेरा रिएक्शन मैं कैसे आपको दिखाऊं, ये क्यूपिड स्कार मेरे को फंस चुका है लेकिन क्या फायदा इसका, मैं खुश भी हूँ और एक तरह से दुखी भी हूँ क्योंकि मेरे पास सार्को ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उसे मैंने अपग्रेड बस नहीं करा, एक तरह से ठीक भी है क्योंकि मेरे पास अपग्रेड की हुई नहीं है क्यूपिड स्कार, सॉरी सार्को मैंने लेवल 4 तक भी नहीं लेके गया क्योंकि काफी सारे डायमंड स्पेंड होते हैं। बट यहाँ पे अपनी क्रेट ओपनिंग में भाई मुझे कुछ फंस क्यों नहीं रहा है, अभी क्यूपिड स्कार कुछ देर पहले फंसा और उसके बाद क्या कुछ नहीं फंसने वाला मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जो भी हो मुझे फ्री फायर निराश नहीं करने वाला क्योंकि मैंने सीजन के जो क्रेट जमा करके रखे हुए हैं उसे मैं लास्टली ओपन करूंगा। सो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी गाइस, तो वीडियो को 1 लाइक प्लीज 1 लाइक जरूर कर देना। और इसी के साथ हमें कुछ नहीं फंसते हुए बट मुझे काफी सारे गन्स की स्किन ऐसी लग रही थी कि मुझे परमानेंट मिलने वाले लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सारे के सारे टाइम लिमिट्स ही मिल रहे हैं। इतनी मेहनत से मैंने सारे क्रेडिट्स जमा करके रखे हुए थे, कैसा मैं पेशेंस करके क्रेडिट से जमा करके रखा हुआ था मैं बता नहीं सकता। वैसे ये ऑक की स्किन मेरे पास परमानेंट पड़ी हुई है बट वो भी नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ग्रोजा की स्किन भी टाइम लिमिट, मेरे पास अप्रोक्स सारे गन की स्किन है बट कुछ लिमिटेड गन्स हैं जो कि स्किन मेरे पास परमानेंट नहीं है। मैंने लगभग सारे गन्स की स्किन निकाल के रखी है, खास करके कोई भी वो गन हो, बस वो शॉर्ट गन मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती इसलिए, और उसके स्किन मेरे पास ऑलरेडी थी। गाइस अभी जो स्किन भी आपको दिख रहा है इसको मैंने डायमंड्स में खरीद के रखे हुए थे बट ये मुझे परमानेंट चाहिए, तो मुझे पता नहीं है परमानेंट निकलेगा या नहीं 2 क्रेट्स में, बट मैंने इसे डायमंड्स में खरीद के रखे हुए। तो फिलहाल एक करते हैं ओपन और कुछ नहीं, और दूसरा भी कर देते हैं ओपन इसके अंदर, लो कोई बात नहीं गाइस क्या कर सकते हैं भाई। और एक मेरे पास, इसको मैंने डायमंड्स में खरीदा हुआ था और इसके अंदर मुझे SKS की स्किन बहुत ज्यादा पसंद है, उसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए और ये परमानेंट कुछ नहीं। सो गाइस मेरे पास काफी सारे क्रेडिट्स हैं, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने लास्ट लाइट पास क्रेडिट ओपनिंग में, तब तक आप ये वीडियो एंजॉय करो पूरी।
एंड गाइस इसी के साथ अपने सारे गन्स के क्रेट खत्म हो चुके हैं, बस इलाइट पास वाले क्रेट्स बचे और ये ब्लैक पैंथर का क्रेट बचा और जो कि मेरे को एक स्पिन में मिला हुआ था और ये इसमें भी मेरे को लगता नहीं कुछ खास फंसने वाला है। भाई मेरा तो दिल टूट गया है, अब मैं क्या ही बोलूं फटाफट से, बट ये इसको मैंने इसी कारण से जमा करके रखा हुआ था ताकि इसके अंदर कुछ अच्छा सा फंस जाए। सो फाइनली इसे करते हैं ओपन और ये कुछ अच्छा सा ओके तो कुछ तो कितने दिनों के बाद कांग्रेचुलेशन देखने के लिए मिला और ये रेड टोपी अपने को मिल चुका है और ये बहुत अच्छा है। ओ भाई साहब मोटरसाइकिल स्किन, ओबे भाई साहब कैरेक्टर। बस मेरे अंदर एक और इच्छा है कि एक क्यूब फंस जाए और ये क्यूब निकला। ये क्या अरे यार टोपी पहना रहा है ये तो मुझे। ओके फाइनली बिल्ली की स्किन, वाह और एक कांग्रेचुलेशन इसके अंदर क्या है? एक और टोपी पहनाया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब एक क्यूब तो निकलेगा मुझे ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि बड़ी मेहनत से ये 9-9 क्रेट 6-6 क्रेट जमा होता है काफी सारे मिशन करने के बाद। ओके इसके अंदर कुछ नहीं फंसा और यार ये तो पूरा टट्टी का टट्टी हो गया। कोई बात नहीं अभी अपने पास 9-9 क्रेट है, सबके सब खोल दूंगा मैं। सो फाइनली एक बार और कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, इस बार भी ट्रॉफी पहना दिया यार। क्या हो रहा है ये भाई, एक लास्ट 9 क्रेट है, मेरे को क्यूब चाहिए एक लास्ट, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके कांग्रेचुलेशन एंड सेली ब्रेसन, फिर से टोपी पहना दिया। ले भाई अपनी तो किस्मत ही बहुत खराब चली थी, मेरे इतने सारे क्रेट्स मैंने खोले बट एक भी क्यूब नहीं फंसा, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। ये 3 टोपियां मेरे को पहनने के लिए मिली जो कि काफी अच्छे हैं और मजेदार भी है और ये मेरे को चाहिए था और काफी सारे यहाँ पे क्रेट्स जमा हो चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब फ्रेगमेंट, तो मेरे पास 200 हो चुके हैं जिसमें कि 2 क्यूब मिलेंगे। सो गाइज आज का वीडियो यही बहुत है खत्म, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल ही पसंद आई होगी। पसंद ना आने की तो कोई बात ही नहीं है इधर, क्योंकि मेरे को 7 महीने लग गए क्रेट जमा करके रखने में और ये 7 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है, एक बार और याद दिला दो। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक एक कमेंट एक शेयर तो बनता ही है और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लेना एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। अरे रामू जल्दी से फटाफट तैयार करो, फ्री फायर वालों के घर पर रेड बना, सालों ने एक भी गन की स्किन परमानेंट नहीं दी मुझे।